हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं अमन ब्लॉग्स। तो आज हम जाने वाले हैं आज नगरदा वाटरफॉल, जहां जाने के बाद आपको दिखाएंगे झरना। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो नगरदा जाने के लिए सबसे पहले हम तो अभी अकलतरा में रहते हैं, तो अकलतरा से उसका डिस्टेंस 57 किलोमीटर है। और तो सबसे पहले हम जाएंगे जांजगीर, जांजगीर से चापा, चापा से फिर वो पड़ेगा आपको 20 किलोमीटर और आगे। तो जाएंगे, पूरे रास्ते का ब्लॉग दिखाएंगे और वहाँ पहुँच के झरने में अगर पानी रहा, क्योंकि बरसात में पानी रहता है, अभी पानी नहीं रहता इस मौसम में, लेकिन देखते हैं अगर पानी मिलता है तो ज़रूर नहाएंगे। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आज का पूरा। तो गाइस, हम निकल गए हैं अपने घर से, अब जा रहे हैं सीधा वाटरफॉल की तरफ। तो हम रास्ते का ज़्यादा क्लिप नहीं दिखाएंगे, इसलिए आपको कम क्लिप दिखाएंगे। अब देख सकते हैं जैसे हम बैठे हुए हैं, अब जा रहे हैं वाटरफॉल, तो खुशी का तो ठिकाना नहीं है, बहुत ही खुश हैं। अब गाड़ी में जा रहे हैं तो पेट्रोल तो बनवाना बनता है, तो पेट्रोल डलवा लेते हैं। पेट्रोल डलवाने के बाद हम निकल जाते हैं सीधा जांजगीर जाने की ओर। तो खुशी तो है ही है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम सीधा पहुँच जाते हैं कहाँ, चापा। चापा में है हसदेव नदी। हसदेव नदी के पास थोड़ा सा खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद थोड़ा फ़ोटो वीडियो बना लेते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। आगे निकलने के बाद हम सीधा चापा के मेन सिटी पे होते हैं। और ये जो होता है ना, ये हसदेव नदी है, फिर इससे आगे जाते हैं तो ये चापा है, जो मेन सिटी है चापा का। तो चापा क्रॉस करने के बाद हम आ जाते हैं नगरदा गाँव में, जहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर आगे पर है हमारा जो नगरदा वाटरफॉल है वो। फिर हम जैसे ही पहुँच जाते हैं नगरदा वाटरफॉल बाहर में, फिर इसके अंदर जाना होता है। यहाँ से देख के बहुत सारे गाड़ी होंगे, बहुत सारे लोग आए हैं, जहाँ सब अपना अपना स्पॉट खोज के अपना अपना खाना बना रहे हैं। तो हम भी अपना स्पॉट खोज लेते हैं और खाना बनाने के लिए जगह देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे वो वाटरफॉल। फाइनली गाइस, हम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं, नगरदा वाटरफॉल। हालांकि यहाँ पानी नहीं है, यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा बहते रहता है बरसात के टाइम पे, अभी एक भी पानी नहीं है इस पर। हमने सोचा था कि यहाँ आज पानी होगा तो अच्छे से नहा के जाएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। कोई बात नहीं, अपने सारे भाई लोग अपने साथ हैं, फुल इंजॉय करेंगे। तो अभी सबसे पहले अपने खाना बनाने के लिए जगह देख लेते हैं, उसके बाद खाना बनाने के बाद नहाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे और घूमेंगे। तो सबसे पहले हमारे भाई लोग जो हैं वो जगह देख चुके हैं, तो उस जगह पे उन लोग खाना बनाना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि देख सकते हैं इस जगह पे हमारे भाई लोग सब बने हुए हैं और यहाँ पर खाना बनाने का तैयारी चल रहा है। तो चलिए चलते हैं और खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको पूरा नगरदा वाटरफॉल, पूरा ऊपर जाएंगे और पूरा ऊपर को एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे पिंटू भैया ने आग जला लिया है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। अब चिकन बनने वाला है तो चिकन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद चिकन को उसको 2 बार पानी से अच्छे से धोएंगे। तो पहले बार हमने पानी डाल लिया, उसमें पानी डालने के बाद पहले पानी में धो लिए, उसके बाद दोबारा पानी में फिर से धोएंगे, जिससे चिकन में जितना खून है वो अच्छे से साफ हो जाए। चिकन बना रहे तो हेल्दी बनाएंगे, एकदम हेल्दी तरीके से बनाएंगे। तो चिकन को धो के निकाल लेते हैं, देख सकते हैं चिकन के पीस। अब इसको हम लोग एक बार तेल में फ्राई कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम इस ब्लॉग के चैनल पर चिकन कहाँ से बना रहे हैं, पूरा रेसिपी है क्योंकि इस पर। कोई बात नहीं, कभी कभी आप लोग भी देखिए मेरे तरीके से चिकन बनाते हुए। तो अभी तो चिकन बनने में टाइम लगेगा, तो हमने समोसा लेके आए हैं, तो अब समोसा खाएंगे। समोसा खाने के बाद एक साइड पे हमारा चिकन बन ही रहा है, जैसा कि इधर देख सकते हैं। तो उत्ते से जैसा कि दिवाली का फटाका बचा हुआ है तो कुछ तो काम आना चाहिए ना। तो अबे होती आदमी मान हो ही रहे हैं और ऐसे ऊपर फोड़ते जा रहे हैं, अपना कर्तव्य दिखाते जा रहे हैं। चलिए तो फिर खाते हैं अपना समोसा स्प्राइट के साथ। हमारे सारे भाई रेडी हैं अपने अपने ग्लास के साथ स्प्राइट लेते हुए। चलिए चीयर्स करते हैं और शुरू करते हैं अपना स्प्राइट का चीयर्स, और नगरदा वाटरफॉल को भी एक बार चीयर्स करते हैं अपना स्प्राइट। तो चलिए गाइस, अब खाना पीना तो हो गया, अब चलिए अपना शुरू करते हैं अपना काटने पाटने का सामान लेते हुए। प्याज काटते हैं, ये हमारे राजू भी प्याज काट रहे हैं, हमारे सारे भाई बैठे हुए हैं, वह दीदी लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब हमारे राजू भैया एकदम स्पेशलिस्ट है प्याज काटने में, तो देख सकते हैं प्याज काट रहे हैं, बहुत सारा प्याज है गाइस, तो टाइम तो लगता है। अब हमने चिकन को अपना थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के फ्राई कर लिया है तेल पे। और यहाँ हमारे सारे भाई बहन लोग बैठ के यहाँ गप्पे मार रहे हैं, जैसा कि देख सकते हैं स्प्राइट पीते हुए, एकदम हंसी मजाक चल रहा है हमारे भाई बहन के बीच। अब काफ़ी लोग चिकन खाते नहीं हैं, तो उनके लिए अंडा बना लेते हैं। तो हमारे पास 30 अंडे थे टोटल, तो उसमें हमने 20 अंडे को उबालने के लिए रख दिया है। तो उनके लिए जो चिकन नहीं खाते उनके लिए अंडा का प्रबंध किया गया है हमारे भाइयों के द्वारा। और यहाँ मैं तेल डालता हूँ, फिर उसके बाद चिकन को अच्छे से रख के हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है,
हमारी दीदी आइसक्रीम खा रही है और हमारा इधर प्याज भून रहा है। हम मिर्ची डालना भूल गए थे तो ऊपर से मिर्ची डाल रहे हैं, तो इसे धीरे धीरे करके अच्छे से पका लेंगे। प्याज जो है भूनने लगा है तो थोड़ा उसमें मसाला डालना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। और यहाँ देख सकते हैं हम, मैं खाना बनाते हुए दिख रहा हूँ आपको। ऐसे तो मैं खाना बनाता हूँ लेकिन ऐसे आज और ज़्यादा शौक था मुझे खाना बनाने का, तो बनाते हैं। इधर डल रहा है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे खाना बहुत ही अच्छा दिखता है। मतलब जब सब्जी में डालो तो कलर आ जाता है उस पर। अब हमारा अंडा उबलने वाला है। इधर मसाला भी पक गया है आधा। ये देख सकते हैं कितना सुंदर ग्रेवी बन चुका है। और इधर हम पापड़ छान रहे हैं, अंडा उबल चुका है, छिल भी चुका है इधर उसमें। गाइस अगर आप लोग भी अगर चिकन खाते हैं तो मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ उस तरीके से कभी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं मेरे भाई कुछ काम नहीं करता, बस लेटा हुआ है मोबाइल चलाते हुए। और यहाँ हम पोस्ट देते हुए खाना बनाते देख सकते हैं। यहाँ हमारे भाई लोग पापड़ छान रहे हैं एक साइड पे, ये हम मसाला बना रहे हैं। तो एक साइड पे हमारा अंडा हम छानने के लिए रख दिए हैं। थोड़ा थोड़ा उसको छानेंगे जब तक वो ग्रे ना हो जाए, गोल्डन ना हो जाए। और हमारा इधर ग्रेवी देख सकते हैं कितना सुंदर ग्रेवी बन चुका है। तो हम थोड़ी देर में उसमें चिकन डालेंगे। मसाला डाल चुके हैं, चिकन मसाला, जिससे थोड़ा टेस्ट आ जाए और ज़्यादा। हमारे सारे भाई यहाँ खड़े हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चिकन तैयार हो, तो हम जल्दी से नहा के जाएँ और नहा के आके खाना खाएं। ये हम चिकन डाल जो फ्राई करके रखे थे उस चिकन फ्राइड को इसमें डाल लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके उसको ढक ढक के थोड़ा सा पकाएंगे। देख सकते हैं गाइस कितना लजीज लग रहा है जो हमारा चिकन है वो। फिर 5 से 10 मिनट उसको चिकन को ढक के पकाने के बाद हमारा चिकन जो है रेडी हो जाता है। उसको हम धनिया से गार्निश कर लेते हैं अच्छे से। देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त कलर दिख रहा है चिकन का, और एग भी एकदम गोल्डन कलर आ चुका है जब उसको फ्राई किए हैं। हमारा सलाद वलाद सब रेडी है। एक पीस मैं खा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वाह क्या टेस्ट है, ये चिकन बनना चाहिए ऐसा। अब खाना तो बन चुका, अब चलिए चलते हैं ऊपर। पहले नहा के आएंगे, अब खाना बनाया तो गर्मी ज़बरदस्त लग रहा है, तो पहले ऊपर चलेंगे नहाएंगे। नहाने के बाद नीचे आके फिर अपना जो भी खाना हम बनाए हैं उसको हम खाएंगे। तो ऊपर जाके पूरा आपको नगरदा का व्यू दिखाएंगे, क्योंकि पानी तो है नहीं तो दिख नहीं रहा है नीचे से अच्छे से। ऊपर से हम आपको दिखाएंगे कि ये दिखता कैसे है। तो चलिए चलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आपको ड्रोन का शॉट्स भी दिखाएंगे ऊपर से। ये देख सकते हैं हमारे सारे भाई बंधु लोग धीरे धीरे करके मेहनत करके चढ़ रहे हैं। अब जब तक हम ऊपर चढ़ते हैं आप ऊपर से नगरदा को पूरे अच्छे से देखिए। तो अब हम ऊपर पहुंचने वाले हैं, देख सकते हैं थोड़ा थक चुके थे तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहे हैं हम, देख सकते हैं। तो जगह काफ़ी अच्छी है, अगर एक बार आप आइए ज़रूर ट्राई करिए। बरसात टाइम में आप एक बार ना ज़रूर आइए, क्योंकि बरसात टाइम पे यहाँ पर जस्ट नगरदा में तब बेहतरीन वाटरफॉल है जो देखने को मिलता है।
और इससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक दमादोह कर की जगह है, उस जगह पर भी आपको अच्छे से वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो हम तो थोड़ा गलत टाइम पे आए हैं, ठंडी टाइम पे, तो उस टाइम पे हमको वाटरफॉल देखने को नहीं मिला, लेकिन आप बरसात टाइम पे ज़रूर आओ और इस जगह का बहुत अच्छे से इंजॉय करो इस जगह को। तो हमारे साथ हमारे छोटे भाई भी चढ़ रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं वो जीत पकड़ के बैठ चुका था कि मुझे भी चढ़ना है, मुझे भी ऊपर जाना है, मुझे भी ऊपर जाना है। तो भैया लोग धीरे धीरे करके उसको लेके जा रहे हैं। हमारे राजू भैया भी ऊपर चढ़ रहे हैं, आयुष भाई भी ऊपर चढ़ रहा है, धीरे धीरे करके काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। हम लोग थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर, तो कृपया करके आप जब आएँ तो अच्छे से शूज़ पहन के आएँ, क्योंकि मैं तो उसके ऊपर चढ़ रहा था तो काफ़ी पैर में लग भी दिया था। तो आप शूज़ पहने लेकिन अच्छा से ग्रिप वाला, क्योंकि आप बिना ग्रिप वाला शूज़ पहनेंगे तो गिरने का चांस है, बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा, गिर सकते हैं आप। तो देखिए गाइस हम ऊपर पहुँच गए हैं, ऊपर से जो व्यू दिखता है नगरदा का वो आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर और बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पानी तो कम है लेकिन ट्राई करेंगे कि हम इस जगह पर एकदम नहा लें, क्योंकि गर्मी बहुत लगा हुआ है, पूरा बॉडी स्वेट स्वेट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं और नहाते हैं। चार दूती बंदरी चिट्टी घोड़ी सरचा दुश्मन कै भी तोड़ी, तू जब मुच्छा कै मरोड़ी, एक खड़ी से काली तार दूती बंदरी चिट्टी घोड़ी करेगा दुनिया में मर काट काट की, रीस करेगा दुनिया में मर काट काट की, उधर पूरी बात की है उधर पूरी बात उधर पूरी बात पूरी उधर पूरी बात की है उधर पूरी बात की है उधर पूरी बात की है उधर पूरी बात की शहर नहीं जड़ा जाट का बैर नहीं, मारे पर का प्यार मिले ना मारे पर का बैर नहीं, मारे पर का बैर नहीं, इसका कोई शहर नहीं जड़ा जाट का बैर नहीं, मारे पर का प्यार मिले ना मारे पर का बैर नहीं, छोटी ने भी फैल कर लुक नीले जात की, छोटी ने भी फैल कर लुक उधर पूरी बात की है उधर पूरी बात उधर पूरी बात उधर पूरी बात उधर पूरी बात की है उधर पूरी बात की है उधर पूरी बात की है उधर पूरी बात की है। गाइस फाइनली हमने नहा लिया, पानी तो कम था लेकिन मज़ा आया नहाने में, जैसा कि आप देखे ही होंगे अभी, तो बहुत अच्छे से हमने कम पानी में भी अच्छे से इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद हम नीचे जा रहे हैं और हमारे निशान भैया क्रिकेट देख रहे हैं, मैच इंडिया का, तो क्रिकेट देखते हुए वो नीचे उतर रहे हैं। हम नगरदा वाटरफॉल का व्यू देखते हुए नीचे उतरेंगे, देख सकते हैं हमारे भाई लोग उतर ही रहे हैं नीचे, मैं भी आगे बढ़ चुका हूँ नीचे उतरने के लिए। नहा लिया हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मेरे साथी कुछ नीचे, हमारे जो भाई और बहन लोग हैं, भैया लोग हैं, वो नीचे दिख गए हैं तो उनको हाय बोल देते हैं। आपको कैमरे पर तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन हमको यहाँ से दिख गया कि हमारे जो भाई लोग हैं वो नीचे पे हैं, वहाँ पर देख सकते हैं ये रोड है जिस रोड से हम लोग आए थे, तो रोड आपको पूरा दिख रहा होगा। और इस साइड से पानी बहता है, जिस साइड नगरदा वाटरफॉल बहता है तो इधर से दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ नीचे काफ़ी गहराई है, उस गहराई से भी पानी बहते हुए जाता है तो काफ़ी सुंदर लगता है वहाँ से। लेकिन इस बार हमने तो उस जगह का व्यू मिस कर दिया है, लेकिन एक बार हम फिर से आएंगे इस जगह पे और वाटरफॉल का एकदम अच्छे से इंजॉय करेंगे। वैसे आज भी काफ़ी मज़ा आया है और यहाँ पर आने के बाद बड़ा ही पॉजिटिव वाइब आ रहा है, अच्छे अच्छे मतलब चीज़ें देखी, बहुत चीज़ सीखा हमने,
तो काफ़ी मज़ा आया इस जगह पे आने के बाद। तो खास करके अब भाइयों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तब तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। तो हमारे छोटे छोटे भाई लोग भी नीचे उतर रहे हैं, देख सकते हैं वो भी एकदम खुश नहा लिए बोलते हैं। They will tell you the truth. The girl in my story has always been you. I'd go down with the Titanic. It's true for you. Love you. गाइस हम अब नीचे पहुंच गए हैं, देख सकते हैं दोनों मंदिर हमको दिख रहा है। हम धीरे धीरे करके नीचे उतर गए हैं, अब सीधा नीचे जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं ऊपर चढ़ने में तो बड़ा मेहनत लगा था, उतरने के टाइम जल्दी जल्दी उतर गए हम लोग। चढ़ने में काफ़ी मेहनत लग जाता है गाइस, ऊपर जाने में हालत ख़राब हो चुका था। तो हम अब चले गए हैं पूरे एनर्जेटिक, देख सकते हैं ये नगरदा का वाटरफॉल। बस पानी नहीं है, बाकी तो सब चीज़ सही एकदम परफेक्ट बन गया। तो ये हमारा हरा भरा सलाद रेडी है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। इसे हम मस्त चावल के साथ खाएंगे। ये है हमारा सब्जी जो कि बनके तैयार है, अब हम इसे परोस लेंगे, परोसने के बाद खाएंगे। ये देख सकते हैं हमारे सारे भाई बैठे हुए हैं, भैया लोग बैठे हुए हैं क्रिकेट मैच देखते हुए, एकदम चिकन का आनंद दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। अब मैच चल रहा है तो उसके साथ चिकन भी खा रहे हैं, तो दोनों चीज़ का मज़ा एक साथ लेते हुए कुछ ज़्यादा ही आनंद आ रहा है गाइस। अब खाना पीना तो हो गया, अब फ़ोटोशूट भी हो ही जाए। तो दीदी लोग को फ़ोटो खिंचाना था तो हम लोग भी चढ़ गए। ये देख सकते हैं दीदी बैठे हुए हैं एकदम पोज देते हुए, देख सकते हैं। और ये हम भैया फ़ोटो खींच रहे हैं सबका, सब अपने अपने पोज देते हुए फ़ोटो खिंचाते जा रहे हैं। तो चलिए फ़ोटो खिंचा लेते हैं, फ़ोटोशूट होने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए एक चलिए हमारा ब्लॉग, ये देख सकते हैं हम वीडियो बना रहे हैं गाइस। हम ऐसे ही एकदम मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमको। इस बार 2K और 2K सब्सक्राइबर्स करना है और 1.55K है, तो प्लीज़ हेल्प करिए वो जल्दी कम्प्लीट हो जाए। तो अब चलिए पैकिंग करते हैं सामान, जाने का टाइम हो चुका है, घर चलते हैं। ये हम निकल चुके हैं बाइक में क्योंकि काफ़ी शाम हो गया है, तो जल्दी जाएंगे घर, फिर टाइम हो जाता है तो दिक्कत होता है। अभी काफ़ी देरा होगा तो फिर इधर गांव-गांव एरिया है तो बाइक चलाने में दिक्कत होगा, इसलिए हम जल्दी से निकलते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। तब तक के लिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख सकते हैं हम अपने भाई दीदी लोग के साथ निकल पड़े हैं बाइक राइड पर एकदम, और चलेंगे सीधा घर। काफ़ी दूर है तो टाइम भी लगेगा, 2 घंटे का रास्ता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइस, टेक केयर ऑल ऑफ यू।